नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं, और इसमें अभी तक आपने देखा है कि हम लोग भारतीय संविधान की तीन क्लासें कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो भारत का संविधान के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें सभी आपको क्लासें मिल जाएंगी, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, देखिए अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस है, सिविल सर्विस है, या और भी आपकी वनडे एग्जाम होते हैं जो राज्य सरकार करवाती है या केंद्र सरकार करवाती है, अगर उनकी पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि एक बड़ी संख्या में आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं संविधान से। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोग और अच्छे से जानते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो या फिर आपकी मुख्य परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, उनमें भी आपके संविधान में क्वेश्चन संविधान से आते रहते हैं। आप लोग निबंध लिखते हैं तब भी आप देखते हैं कि संविधान के कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें आप वहां उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी मेरा मानना है कि आपको संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने देश की राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब काम कर्तव्य आपका, या मैंने ये सब काम आप पर छोड़ दिया है कि हमारे भारत के संविधान को सभी तक पहुंचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और इतना मेरा मानना भी है कि अगर भारत के संविधान को हर व्यक्ति ने पढ़ लिया, हर भारतीय ने पढ़ लिया, तो जरूर हमारा देश आगे जरूर बढ़ सकता है। लोग जागरूक होंगे तो आप देखिए कि देश आगे बढ़ाने में बहुत एक तरह से कारगर भी होंगे हम लोग। फिलहाल आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, किसी भी देश का संविधान उठा के आप लोग देख लीजिए, उसकी शुरुआत में या प्रारंभ में आप लोगों को एक प्रस्तावना या उद्देशिका देखने को मिलेगी, और जिसमें आप देखेंगे कि संविधान की मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों और दर्शन को ये उद्देशिका प्रस्तावना स्पष्ट करेगी। और इसका मुख्य एक तरह से आपके ये उद्देश्य ही यही है कि संविधान के विचारों, उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके, और जिससे संविधान की और उसके पालन में संविधान की भावना का ध्यान रखा जा सके। और आपको बता दूं कि प्रस्तावना संविधान का एक तरह से दर्शन बताता है कि अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। खैर छोड़िए, एक और उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लीजिए मैं किसी महल को घूमने जा रहे हैं, पुराने राजा महाराजाओं का महल है, तो मैंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले आप लोग जहां एंट्री लेंगे, जहां आप लोगों को जो भी टिकट रहता है, वो टिकट जैसे ही आप लोगे तो आपने देखा होगा कि वहां आप लोगों को एक चार्ट देखने को मिल जाएगा, उस पे लिखा होगा कि आप अंदर जाकर ये सब कुछ देख पाएंगे और देखने को मिलेगा आपको। तो इसी तरह आप लोग उद्देशिका की या प्रस्तावना की बात कर सकते हैं कि हमारा वही टिकट घर है ये, जहां हमारे सामने एक चार्ट टंगा होगा और उसमें बताएगा कि अंदर जाके आप ये पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं। पहले एक बार आप लोग उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप सभी जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि कुछ शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें जोड़े गए थे,
तो उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ दो डेट बता देता हूँ, दो तारीख बता देता हूँ। एक तो आपके मन में 26 नवंबर 1949 आता है और एक आपका 26 जनवरी 1950 आता है। तो आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, और कुछ प्रावधान आपके इसी दिन 26 नवंबर को लागू हो चुके थे। लेकिन पूरी तरह से अगर हम लोग संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और 26 नवंबर को आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और अगर हम लोग संविधान की जो उद्देशिका है, अगर इसे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे से देखेंगे, इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो संविधान का स्रोत क्या है, हमारे भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत के लोग। क्या है स्रोत इसका? भारत के लोग, भारत के लोग। और अगर हम लोग संविधान के उद्देश्य की बात करें कि आखिर इसमें संविधान का उद्देश्य क्या है, तो इसमें उन महान अधिकारों स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित बनाने की इच्छा की थी। और इस संविधान के प्रवर्तन की तिथि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। और इसमें आप देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके आपको, अपने विचार आप लोग रख सकें, अभिव्यक्ति मतलब कर सकें, विश्वास धर्म पर, धर्म को मान सकें आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि ये सभी अधिकार हो या फिर आपको जो भी विचार इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, इस पर भी आपकी पाबंदी भी रहती है कुछ। देश की अखंडता एकता को जरूर इसमें देखा जाता है। मान लीजिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अब आप किसी सामने वाले को गाली देने लग जाइए तब आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाएगी। मान लीजिए आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है और आप एक ऐसा संगठन बनाने लग गए जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने लगे, तब भी आपके संगठन पर रोक लग जाएगी और आप पर भी रोक लग जाएगी। और प्रस्तावना की पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्ताव से है जिसे आपने देखा होगा कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। और संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार B.N. राव ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। यहां मैंने एक और बात का उल्लेख किया हुआ है, B.N. राव। तो एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के संविधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव। और संविधान के पिता, तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप का पर विचार किया था और इसमें आवश्यक संशोधन करने के बाद संविधान के कार्यों की आखिरी चरण में इसे पारित भी किया था। प्रस्तावना की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें आपका समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, ये आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो एक तो आपका समाजवादी था और एक आपका पंथ निरपेक्ष था, और इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रख दिए गए थे। ये दो शब्द तो आप देखेंगे जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ठीक है। लेकिन जो आप लोग पहले राष्ट्र की एक जो आप राष्ट्र की एकता देखते थे, इससे इसकी जगह राष्ट्र की एकता और साथ में एक और शब्द जोड़ दिया था, अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और कानून निर्माताओं की अगर हम लोग बात माने तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में तथा मूल रूप से निर्मित संविधान के शेष भागों के पहले से अंतर्निहित थे इसमें। और अगर हम लोग प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो प्रस्तावना जटिल संविधानिक परिस्थितियों में प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है और शासन को भी उसके दायित्व का बोध कराती है। कौन? हमारी प्रस्तावना, हमारी उद्देशिका। और उद्देशिका में आप देखें तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
समानता और वंदता से जुड़ते हुए स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या स्वतंत्रता की बात होती है। और महात्मा गांधी ने के आप लोगों को एक सुना होगा कि मेरे सब सपनों का भारत कहकर वर्णित भी किया था ऐसे इन्हें, क्योंकि महात्मा गांधी इसके बड़े पक्षकार थे। लेकिन संविधान सभा में आपको बता दूं कि गांधी जी शामिल नहीं थे, ठीक है। और भारतीय संविधान की उद्देशिका में किए गए सफल संयोजन की अर्नेस्ट बारकर लोकतांत्रिक शासन के विषय में आधुनिक चिंतक थे। इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की हुई थी। किसने? अर्नेस्ट वर्कर ने। और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रारंभिक भाग में इस उद्देशिका को बताया भी था। फिर आगे चल के आप देखेंगे बेरुबाड़ी मामला भी आपने सुना होगा, ये भी संविधान की उद्देशिका से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ये क्या होता है कि एक लाइन में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। कई बार आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, वहां भी आप लोग इनका उल्लेख कर सकते हैं। बेलूबाड़ी केस को आप लोग याद रखिएगा। आपने देखा होगा ये एक प्रस्तावना से संबंधित आपका गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का मामला भी था। इस समय न्यायमूर्ति आपने देखा होगा हिदायतुल्ला ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार का कार्य करना है, और संविधान को की मूल आत्मा है वो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर आपने एक और सुना होगा भारतीय चंद भवन बनाम मैसूर राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और इसमें कहा गया था कि निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को भी उद्देशिका में प्रतिष्ठित उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। किसे? नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान के भाग 4 में आप लोग पढ़ते हैं, और अधिकारों को जो संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं आप लोग। उच्च न्यायालय ने कुछ और भी कहा है, इनमें सुन लीजिए। हमारे संविधान का प्रसार उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर ही खड़ा हुआ है, और यदि इनमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, और संविधान वही नहीं रह जाएगा, अपना व्यक्तित्व और पहचान भी खो देगा। इनका सीधा सा कहने का मतलब ये था कि एक मकान खड़ा हुआ है, उसमें से आप लोग ईंटें खींच दीजिए, जो नींव भरी हुई है, जो पिलाई खड़े हुए, उसकी ईंटें खींच दीजिए, तो वो मकान क्या होगा? गिर जाएगा। तो इसमें प्रस्तावना में जो भी शब्द शामिल किए गए हैं, अगर इनमें से किसी में से भी आप लोग छेड़छाड़ करते हैं, हटाते हैं, तो उद्देशिका का जो मूल उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। एक आपने सुभाष कश्यप का नाम भी सुना होगा, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा था। किसने? सुभाष कश्यप ने। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी ने भी कुछ कहा था कि हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता का आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है, और उसकी अंतर आत्मा न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व के भाव से अभी सिंचित है। इन सबको हम लोग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्या करेगा कि आपको वन लाइनर में दे देगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोगों को याद रखना हो। सुब्बा राव ने भी कुछ कहा था इसके बारे में, उन्होंने प्रस्तावना संविधान की आकांक्षाओं तथा आदर्शों को स्पष्ट करती है। ये बात किसने कही थी? सुब्बा राव ने। और प्रस्तावना न्यायालय के लिए भी पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। जो हमारे न्यायालय है जहां कानून जटिल और अस्पष्ट होते हैं, वहां न्यायाधीश प्रस्तावना की ओर आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं, वहीं से उनका कुछ हल निकलता दिखाई देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल भी कई बार उठते रहे हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? और आपने देखा होगा ये तो क्वेश्चंस भी कई बार आपसे पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है या कई जगह पूछ लेता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आपको देता हूं, किसी भी अधिनियम की उद्देशिका पर विधानमंडलों के सदनों में बहस नहीं की जा सकती है या मतदान नहीं होता है, किंतु इसके विपरीत हमारे संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में संविधान के किसी भी अन्य भाग की तरह पूरी बहस हुई थी और उसे विधिवत अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था।
और उद्देशिका पर आपने देखा होगा कि अंतिम मतदान कराते समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने उस समय कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। लेकिन इस पर भी बहस छिड़ी रही है। आगे चल के आपने देखा है कि एक कुछ केस था, और इस केस को जरूर आप लोग याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर से सुनिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक प्रस्तावना को लेकर ही केस हुआ था, और ये 1973 की बात है। और इस बात में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1960 के पहले, 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, और अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया था कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का अंग है, और संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान है, यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो इसमें संविधान में इसमें संशोधन किया जा सकता है। बस ऐसा नहीं कि आप देखिए कि आप सोचिए, ठीक है, मकान का एक उदाहरण लिया हुआ है हम लोगों ने, अब मकान में आप लोगों को क्या संशोधन करना है, किस तरह से डिजाइन करनी है, वो कर सकते हैं आप लोग, लेकिन चार पिलर पर अगर वो मकान खड़ा हुआ है, आप कहें कि उन चारों पिलरों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। हालांकि आपको बताऊं कि उद्देशिका को अब संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और फिर भी यह भी अपनी जगह सत्य है कि यह ना तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है, ना ही उसको किसी प्रकार सीमित कर किया जा सकता है। और सबसे पहले इस बात की भी घोषणा बेरुवादी मामले में ही की गई थी, बेरुवाड़ी में, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस समय कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी पूछ लेगा कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है, ये किस किस केस में कहा गया था, तो याद रखिए बेरुवाड़ी मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, एक बुम्बई मामला भी आपने सुना होगा, ये भी प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है, ये 1994 का है, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति थे एस आर रामास्वामी, और इन्होंने उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग माना था, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्व में है। फिर आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़कर प्रस्तावना में अंतर्निहित उद्देश्य को सिर्फ स्पष्ट करने का काम किया था, उसमें कोई शब्द इसमें से हटाया नहीं गया था, कुछ और शब्द जोड़ दिए गए थे, और इसकी स्पष्ट इसका इसकी व्याख्या हो सके, इसका अर्थ समझ सके लोग, इस उद्देश्य से ये काम किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को तो मुझे लगता है कि आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अनुच्छेदों में, आर्टिकल संविधान में, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रस्तावना के मूल तत्व की बात करें तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका वर्तमान समय में भारतीय संविधान में रखी गई है, उसके अनुसार संविधान निर्माता जिन सर्वोच्च या मूलभूत संविधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहले तो बात आती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी की बात कर रहे हैं। उद्देशिका का आरंभ ही होता है हम भारत के लोग शब्द से होता है, और इसका मतलब यही है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, और संविधान एक तरह से बनाया गया तो लोगों को ही ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय संविधान के हिसाब से अगर कहीं किसी के पास संपूर्ण शक्ति है तो वो हमारी जनता ही है, और कहा जाता है कि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता को ही माना जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित होती है, और भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम भी है, और ये शब्द यूएनओ के चार्टर की उद्देशिका में प्रस्तुत शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, हम भारत के लोग। एक आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
यानी कि कहने का मतलब है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका मतलब है कि भारत अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। यानी कि हम आजाद हैं। भारत के जो भी मसले होंगे, जो भी आंतरिक मामले होंगे या बाह्य मामले होंगे, हम किसी के दबाव में या किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम अंग्रेजों की या किसी देश के गुलाम नहीं है, ठीक है? और वह अपनी आंतरिक और विदेश नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता और संधि करने के लिए पूर्णता स्वतंत्र थे। और आप लोग 1947 के पहले जाइए, हम लोग किसी के गुलाम हुआ करते थे। आप सभी जानते हैं कि हमें दूसरे की इच्छा पर डिपेंड करते थे कि हम किस देश से संबंध बनाएंगे, किस देश से संबंध नहीं बनाएंगे। आज आप सभी जानते हैं कि भारत स्वतंत्र है। भारत जिससे चाहे संबंध बना सकता है, जिससे चाहे उससे समझौता कर सकता है। और आप सभी ने देखा होगा कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना और संविधान से अलग यह घोषणा की किसी भी तरह से भारतीय समुदाय को प्रभावित नहीं करती है। फिर आता है आपका समाजवादी। क्या आता है? ये समाजवादी शब्द आता है। तो आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित थे। और समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है और यह नियंत्रण कम या फिर ज्यादा हो सकता है। हम लोग रूस से काफी मिलते जुलते हैं एक तरह से। और जबकि साम्यवादी समाज में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, ये भी आप लोग देखेंगे। और लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षा कम ही होता है एक तरह से। वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, उन्हें अधिकार अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है हमारा समाजवादी यानी कि हमारा देश। और भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। और संविधान के विभिन्न उपबंधों जैसे आर्थिक न्याय भाग 4 में विशिष्ट अनुच्छेद 39, 39B, 39C के तहत आप देख सकते हैं कि समाजवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। और इन अनुच्छेदों में यह प्रतिध्वनित भी होता है कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण किया जा सके, किसी से कोई भेदभाव ना हो सके। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप जानते हैं, सभी जानते हैं आप लोग, कि संविधान के लिए सब बराबर हैं। आप भी बराबर हो, वो भी बराबर है। और इन बात का भी आप अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि कोई जाति, कोई कुछ लोग नीचे छूटे हुए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान भी कर देती है, आरक्षण जैसा प्रावधान आप देखिए। फिर एक शब्द आता है पंथनिरपेक्ष। क्या आता है? पंथनिरपेक्ष। और इसे भी आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में ही जोड़ा गया था। और ये संविधान भारत में एक धर्म निरपेक्ष राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रबंध करता है। जबकि हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका धार्मिक राज को स्वीकार करते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश की सुंदरता है यही कि हमारे यहाँ देखिए हिंदुओं को उतने ही अधिकार मिले हुए हैं अपने धर्म को मानने के, मुस्लिमों को, बुद्ध, सिख, ईसाई, जैन सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। सरकार किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देती है और ना किसी धर्म को पीछे ढकेलने का काम करती है। सरकारों के लिए यानी कि भारत सरकार के लिए आप देखिए संविधान के हिसाब से हिंदू धर्म भी उतना ही मानते हैं जितना कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी कि सरकार बिल्कुल भी एक तरह से आप सोचिए किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेगी, सेकुलर रहेगी, ठीक है? और हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए। पाकिस्तान में आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश बना उस समय कुछ बड़ी संख्या में हिंदू पाकिस्तान भी गए हुए थे। आज आप देखिए कि हिंदुओं की संख्या ना के बराबर वहां देखने को मिलेगी। और वहां की सरकार ने आप देखिए कि हमारे जो भी इस तरह के धार्मिक संप्रदाय वहां गए हुए थे, धार्मिक समूह, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे देश में अभी भी आप देखिए जितनी खुलकर आप देखिए कि हिंदुओं को अधिकार मिले हुए हैं उतने ही मुस्लिमों को मिले हुए हैं। हमारे संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और इसे धर्म के विरोधाभास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, आप समझ रहे हैं? और धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब ही यही होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ना होता है।
और राज्य अपने कार्य के लिए धर्म को आधार नहीं मानता है, और धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं भी नहीं कर सकता है। अब राज्य कहे कि हम इस्लाम धर्म के हिसाब से चलेंगे या राज्य धर्म के हिंदू धर्म के हिसाब से चलाएंगे, तो हमारे उद्देश्य का में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ना, इसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। और आप देखिए कि राज्य ना कोई सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। किसी राज्य में हो कि मतलब हम हिंदुओं के साथ ये करें, मुस्लिमों के साथ ये करें, और या फिर अलग अलग नियम बना दे सभी धर्मों के लिए, ऐसा आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। राज्यों के लिए बराबर सब बराबर हैं आप, ठीक है। और राज्य धर्म को व्यक्ति के विश्वास की वस्तु समझता है, और धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास भी रखता है, यानी कि अलगता में। और हमारा धर्म निरपेक्ष स्वरूप सकारात्मक है, और इसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की ना केवल रक्षा की गई है और पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। और अनुच्छेद 29 और 30 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, यानी कि कम लोग हैं जिस धर्म को मानने वाले, जिस भाषा को बोलने वाले, उनकी रक्षा के लिए भी हम सोचिए कि हमारे संविधान ने कुछ उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। आप सभी जानते हैं कि 25 आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अगर आपसे आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा। और हमारे संविधान में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनके हितों की सुरक्षा के लिए व्यापक रक्षोपाय से युक्त ढांचा निहित है, यानी कि इनकी रक्षा के लिए एसटी एससी की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं। और इन जातियों के कल्याण के लिए संविधानिक और कानूनी जो रक्षा उपाय हो सकते थे, और उसके साथ ही आप देखेंगे कल्याण संबंधी उपाय करने के लिए कल्याण मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय के रूप में काम भी कार्य भी करता है। और इस प्रकार किसी राज्य के कर्मचारी का कोई धर्म नहीं होगा, किंतु वह निजी जीवन में धार्मिक हो सकता है, लेकिन सामाजिक जीवन में वो एक तरह से आप सोचिए ऑफिस में, आप सोचें कहीं किसी राज्य में जो कोई कर्मचारी है वो अपना धर्म वहाँ ऑफिस में चलाने लगे तो वो बुरी तरह से नप जाएगा। वहाँ तो वो अपना एक तरह से न्यूट्रल होकर ही काम करेगा, वहाँ उसका अपना निजी धर्म हो सकता है, वो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म का हो सकता है, वो जैन बुद्ध सिख ईसाई का हो सकता है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन वो ऑफिस में या सरकार में इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। फिर आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है। और लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोगों का तंत्र, यानी कि जनता का शासन। आप सभी जानते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, और अगर हमारे देश के लोग अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, संविधान के प्रति जागरूक हो जाए, तो ये नेता जो आप लोग देखते हैं ना ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, ये आपके चरणों में यानी कि पैरों में हमेशा पड़े रहेंगे। अभी ये 5 साल में एक बार आपके पैरों में आते हैं। और आप भी जानते हैं कि आप लोग सोच लेते हैं कि एक बार आप लोगों ने किसी प्रधान को या सरपंच को या किसी नेता को चुन लिया तो 5 साल के लिए फुर्सत हो गया, वो नहीं, उससे पहले भी आप लोग हटा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और आप सोचिए कि आपके वोट से ही तो वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन रहा है, वो विधानसभा का सदस्य बन रहा है, लोकसभा का सदस्य बन रहा है, सरपंच बन रहा है, तो उसमें ताकत है या आपके वोट में ताकत है? तो याद रखिए, लोगों की यानी कि जनता का शासन है हमारे देश में। बस इस जनता के शासन को जनता समझे तब तो, और नहीं समझेगी तो जैसा माहौल चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लोकतंत्र में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। अब आप सोचिए 130 करोड़ के करीब आपकी जनसंख्या है, सभी अपने एक तरह से आप सोचिए कोई फैसला नहीं ले सकते, और इसीलिए सबने मिलके, हमारे संविधान ने मिलके एक प्रधानमंत्री पद का सृजन किया हुआ है, एक मुख्यमंत्री पद का सृजन किया हुआ है, बनाया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर इसको चुनेंगे और ये हमारे बारे में सही गलत निर्णय लेता रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री पद चुना है, अपने विधायक को अपने क्षेत्र का। अब सोचिए एक क्षेत्र में कम से कम, आप सोच लीजिए मान लीजिए 1 लाख जनसंख्या है, अब 1 लाख लोग अपना फैसला नहीं ले सकते हैं, हो सकता है किसी का कुछ फैसला हो, किसी का कुछ फैसला हो, और इसीलिए विधायक पद बनाया गया कि आपका प्रतिनिधित्व करेगा, वो आप सबके बारे में सही गलत का निर्णय ले सकेगा, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं, इसका वो ख्याल रख सकेगा। अब कितना ख्याल रखता है आप सभी जानते हैं।
और इसीलिए प्रतिनिधि प्रणाली भी कहा जाता है। शक्ति का स्रोत आम जनता ही है, और इसलिए लोकतंत्र में जनता को जनार्दन माना जाता है, जनता सबसे सर्वोपरि है। तो ऐसा भी है। अब बात आती है गणराज्य की, किसकी? गणराज्य शब्द की। और संविधान भारत में एक गणराज्य स्थापित करने की व्यवस्था करता है, यानी कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। यानी कि हमारे यहाँ अब राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रणाली को खत्म किया जा चुका है। अब हमारे यहाँ जनता जैसे चाहेगी उसे ही चुनेगी, वो उसे ही एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष बनाएगी। आप देखिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते थे तो ये कहा जाता था कि ये लोकतंत्र यहाँ नहीं है, उनका उन्हीं का पार्टी का बनता रहता है। लेकिन आपने देखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी साहब को चुना गया तो लोगों ने कहा कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोगों को बड़ी उम्मीद जगी, लोगों को लगा कि हम भी कल जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जनता जैसे चाहे उसे बना सकती है और मिटा सकती है। और वंशानुगत व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राजा यानी रानी उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी कि हमारे पास हमारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये चलता रहता है। और कई देशों में अभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहां का जो राजा होता है उसी का बेटा उस देश का राजा बनता रहता है हमेशा। ठीक है। और जैसा कि आप लोग ब्रिटेन में आप लोग देख भी सकते हैं, वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना चुनकर आता है। जैसे अमेरिका आप लोग देख लीजिए, जो वहां के राष्ट्रपति साहब होते हैं वो जनता के द्वारा चुनते हैं, और गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं और किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। हमारे देश में भी आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, विधानसभा सदस्य बन सकते हैं, विधान परिषद सदस्य बन सकते हैं, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, कुछ भी बन सकते हो आप लोग। अब आप देखिए, न्याय की बात की गई है यहाँ, और इसमें सामाजिक न्याय बात की गई, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं वही कह रहा हूं, एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर भारत के संविधान को हर व्यक्ति ने इसके प्रति जागरूक समझ लिया तो हमारे देश की 70 से 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, उसे कोई जानता ही नहीं है। आप देखते हैं, कोई आंदोलन होता है, आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसमें हम लोग सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, हम अपने मूल कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमारा भी मूल कर्तव्य है कि हम लोग सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, और जो वो सरकारी संपत्ति है वो हमारी ही संपत्ति है, हमारे ही पैसे से खड़ी की गई है। अब आप में से कई लोग बार बार पूछते रहते हैं कि हम तो सर टैक्स नहीं भरते, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि आप लोग माचिस तो खरीदते हैं आग जलाने के लिए, उस पर कभी पढ़िएगा, आप लोग टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, अप्रत्यक्ष कर आप भी देते हैं, हम बड़े से बड़े अमीर घराने का व्यक्ति भी देता है। ठीक है। तो आपका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है। अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करें सबसे पहले इसमें, तो देखिए, हर व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण और लिंग, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस वर्ण से हैं, किस लिंग से हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप संविधान के हिसाब से बिल्कुल बराबर हैं। समझ में आए? ठीक है। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, और इस संविधान की प्रस्तावना का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई अमीर है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, तो उसके साथ कोई भेदभाव, गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये गरीब है और वो अमीर है। कानून के हिसाब से आप दोनों बराबर हैं, संविधान के हिसाब से आप दोनों बराबर हैं। ये अलग बात है कि आप देखते हैं कि इस तरह का भेदभाव
जो आम जनता में आम प्लेस पर होते रहता है, ये आपको दिखता है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक के लिए तो आप दोनों बराबर हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप जाते होंगे तो आप लाइन में लग जाते हैं और वो आप देखते हैं, वो आता है बड़ा आदमी और अंदर चला जाता है केबिन में। तो ये हमारा संविधान हमें भेदभाव करना नहीं सिखा रहा है, संविधान में बराबर सबके लिए बात की गई है। एक आपका आता है राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि राजनीति के लिए आपको बताऊं कि अगर आप चुनाव चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं लोकसभा सदस्य, आपसे संविधान कोई भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं कह देगा कि संविधान ऐसा कुछ नहीं कहेगा कानून की आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या आप किसी अमीर व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या कोई महिला पुरुष के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी उद्देशिका संविधान हमारा और कानून हमारे, इस तरह के राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, राजनीति में सबकी भागीदारी हो सके। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना कही है, दुर्भाग्य कही है, कि जो आम ईमानदार व्यक्ति होता है और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो चुनाव नहीं जीत पाता है, और इसमें बाहुबली बड़े बड़े धनवान हत्यारे चुनाव जीत कर हमें हमारे ऊपर शासन करते हैं, लेकिन हमारा संविधान इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। ये भेदभाव तो आप देखिए कि हमने और आपने पैदा किया हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कोई ईमानदार चुनाव लड़ता है तो हम उसे वोट नहीं देते हैं, हम बाहुबली को देखकर वोट देते हैं, उसका भुगतान भी करना पड़ता है। और फिर आप देखिए इसमें आपका विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है और समानता की बात की गई है। तो इसमें स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम फ्रीडम की बात करें, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की आपको आजादी दी गई है। आप अपने विचार रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अपनी जो अंदर की बात है वो उसे कर सकते हैं, विश्वास धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप किस धर्म को मान रहे हैं। उपासना की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। और फिर समानता की बात होती है, इसे आप लोग संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में आप लोग इन सबको पढ़ेंगे भी, आने वाले समय में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है, इस पर टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। फिर आती है समानता की बात, इक्वालिटी की बात, तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध रखे गए हैं। हमारे देश में जो भी हमारे नागरिक हैं, समाज के जो भी वर्ग हैं, समाज के जो भी लोग हैं, उन्हें किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया कि आप इस जाति के हैं तो आपको ये विशेष अधिकार दे दिया गया, कि आप इस जाति के तो आपके साथ ये भेदभाव किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। फिर से कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हमारे देश के समाज में जो भी व्यक्ति हैं सब बराबर होंगे, ठीक है। एक आप सब दौर पढ़ते हैं, बंधुत्व पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये बंधुता, ठीक है। बंधुता का अर्थ होता है कि भाईचारे की भावना, इसका कहने का मतलब यही होता है, यानी कि भाईचारे की भावना। और प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया जाता है कि जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। और अखंडता शब्द को आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और साथ ही उद्देशिका में के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने और अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है, और इसके अनुसार संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया हुआ था। और हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे कल्याण राज्य की स्थापना करना चाहते थे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो, सभी का ध्यान रखा जा सके। और इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है और महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है, और इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया है, और इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में भी किया जा सकता है, उनकी व्याख्या करने में भी किया जा सकता है, और यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करता है और न्यायालय द्वारा उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है, और इसका संशोधन किया जा सकता है किंतु उस भाग का नहीं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। इनका कहने का सीधा सा मतलब यही है आपका कि इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक घर में डिजाइन को लेकर या आप और भी कुछ तरह का संशोधन कर सकते हैं, और कुछ बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि 4 पिलर पर जो खड़ा हुआ है आपका मकान, उन्हें ही हटा दें,
तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, सीधा सा कहने का मतलब ये बात है। और ये आपकी प्रस्तावना खत्म होती है। मुझे लगता है कुछ तो समझ में आया होगा या नहीं। देखिए, ये 42वें संविधान द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रीति स्थापित किया गया था इसे, और राष्ट्र की एकता के स्थान पर, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा उसे, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये आपकी प्रस्तावना हुई। अगले भाग में हम लोग संविधान के भाग एक को हम लोग पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। और मुझे लगता है कि एक इस किताब को मैंने फिर से बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर डाल दिया गया, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और इन क्लासों को देखेंगे तो मुझे लगता है बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। अगर कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो तो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपके सुझाव को माना भी जाएगा।